हेडिक नेक्टी हम प्यारे दर्शक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ग्राउंड में कुछ आगे ग्राउंड खाली कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दर्शक का। कैसे है कैसा क्योंकि उनकी टीम ग्राउंड में आने वाले हैं वो एक अपनी से कोच भी रहे हैं इधर इक्का ऐसा दूसरा सेमीफाइनल जो कि स्टार्ट करेंगे जिसके अंपायर शरीर हैं ओवैसी इसकी शेयर कर लिया जितना हो सकना तैमूर खान शेयर कर लिया ये लाला मासा लाला मासा यार तमाशे पीछे कर गया तमाशे को आकार करो से आप अलजर क्लब टप्पा वर्सेस परवेज शहीद क्लब किला ये लिखा ना विदा तनवीर साहब 10,000 तैयार रखा साथ जहांगीर साई के साथ है जी उमर पालम शायद चंडाली वाला खलीक देख रहे हैं उन्होंने ऐलान किया है कि और बाघ वाला गोरा अगर टोपा अपने नाम पे करती है फाइनल में क्वालिफाई करती है उनकी तरफ से 10,000 का इनाम ओवरसीज सोजिया से एक और उड़ान आया है अवैध सलीम ने 5,000 रुपया इनाम कहा है कि अलजैज क्लब अगर जीती है तो 5,000 रुपया उनकी तरफ से अवैध सलीम जो कि ये लाइव मैच लाइव देख रहे हैं
साथ और हमारे पुराने प्लेयर अलमजाज क्लब के इफ्तिखार भाई जो अपनी टीम को लेके ग्राउंड में आ रहे हैं। दुबई से राजा कमरान जिन्होंने ऐलान किया है, दुबई से राजा कमरान साहब है, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर साई की टीम जीतती है 5,000 का इनाम, सेमीफाइनल जीतने पर साई की टीम को 5,000 का इनाम। राजा कमरान दुबई। ये जितने ऐलान है इसका मैं किसी किस्म का महसूस नहीं हूँ क्योंकि ऐलान बाहर से आ रहे हैं, हमसे वो ऐलान कर सकते हैं क्योंकि जब तक रकम हम तक पहुँचेगी नहीं मैं किसी किस्म के वो ऐलान ना करूँ। अलबत् लाइव हम लोग कह रहे हैं कि हम लाइव हैं तो इनाम देंगे, ये जिन लोगों के नाम देते हैं वो आपसे खुद रब्ता करेंगे। अलबत् अवल तक मुबारक खान साहब ने कहा है कि अगर मैं जाए तो टुकड़ा की टीम जीती है तो उनकी तरफ से एक हरियाणा की खूबसूरत फ्लैग को पका कर चलाएंगे, बल्कि हरियाणा के साथ देंगे हरियाणा पकाएंगे और तमाम खाने की दावत करेंगे। आपको पता है कि मुबारक के साथ कुछ क्या राजा आमिर साहब, ये एक बंदे क्या आलमदा या टीमों क्या आलमदा? तमाम हजरात जितने भी ऐलान हुए ने इसने सारे ने स्क्रीन शॉट मेरे को सबूत में तौर पर मौजूद दिया, जेड़े में मुतलका टीम है या उन्होंने ऑफिशियल्स की सबूत ने तौर पर देशों ने हो उन्हें कहने फिर तो साफ ही रब्ता करया। अपनी आई डी उपरा भी लाइव है ना सर इरफान साहब, उस आई डी उपरा भी लाइव चलना। सात जहांगीर टुपा की टीम के लिए इकबाल साहब माजरत करिए जी, ऐलान मजीद की तेरा तमाम आजाद को ने माजरत के साथ अपने अपने सम्मानों की बात करें काश तायर की तरफ से 10,000 का नकाश पाए, नकाश पाए सऊदी अरब से ऐलान किया है कि अलजैद क्लब के जीतने पर 10,000 का इनाम अलजैद क्लब को। अवर बीस से एक और ऐलान आया है सात जहांगीर अलजैद क्लब के जीतने पर 5,000। हमारी राइट साइड पे लाइव मैच जो सऊदी अरब में दिखाया जा रहा है ओवरसीज में वर्ल्ड में दुनिया देख रही है, जो हमारे प्यारे भाई जिस मुल्क में है वो ये मैच लाइव देख रहे हैं। राजा
ਅੱਛਾ ਕਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਈ ਛੋੜਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਮੇਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸੂਟ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਹਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਲਮਜਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਟੋਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ टोपा के दरमियान कल भी नमाज के बाद स्टार्ट किया जाएगा और मैं अंपायर से गुजारिश करता हूँ शायर अजहर साहब वहाँ मौजूद हैं जो कि ये मैच स्टार्ट कराएंगे इंतजार है शायर अजहर साहब हैं जो कि साजिद साहब भी वहाँ मौजूद हैं रिजवान हैं आसिफ हैं बहुत सारे मुझे कुछ नजर आ रहा है इस तरह से कि गोल्डन क्लब मिल गया के मेहमान अंपायरी से आए हैं जो कि उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जब भी हमने हमने बोला है उन्होंने अंपायरी की है और सेकंड साइड पे अंपायर है नेटवर्क की वजह से अंपायर इंशाल्लाह क्लियर उसी से गोल्डन क्लब मिल गया बहुत बहुत शुक्रिया आपका वेब साजिद हैं हाँ जी अच्छा इतना क्या उठे पता वॉलीबॉल खेला चाहिए तय नंबर का जो कि इस टीम के लीडर हैं जैसे के उनसे ग्राउंड गुजारिश है कि मैच के प्लेयर वगैरह को पीछे करें जो ग्राउंड में तमाशाई है उनको पीछे करें ताकि मैच स्टार्ट किया जाए क्योंकि थोड़ा सा नेट का मसला ज्यादा है इंशाल्लाह क्लियर है चलने दिया थोड़ा और सारे हालात एक वीडियो लाइव इससे पेजा पर एक और चलनी और आइडिया उभरा हेलो उसकी भी चेक कर सकते हैं अगर प्लेयर दे रहे हैं अखबार के सामने जो अल्लाह बोल रहे हैं यहाँ से आ जाए और अखबार के आगे से इसकी शेयर भी कर छोड़ा था उसकी भी शेयर कर छोड़ा था कि लोग सारे आ रहे हैं किसी भी हमारे पर बना गुजारिश है मैसेंजरों पर लोग कॉल कर रहे हैं भैया ने तो फिर इस तरह लाइव नहीं आए थे बुझाया कई फोन पर कॉल कर रहे हैं भैया ने गोल्डन क्लब लुनग्रा के मैदान से गुजारिश है अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो खास तौर पर मशाई वगैरह खड़े हैं उनको पीछे कराएंगे किस तरह भी हो मैच स्टार्ट कराएंगे सोहेल खलील साहब सुना ही बहुत शुक्रिया शेयर कर
ये बाल नीचे चला गया है, नीचे अगर कोई आदमी है तो रिक्वेस्ट है बाल को फेंके। अदील शकील दुबई 20,000 रुपया, अनजज नाम अगर जीती है तो उनके लिए 20,000 रुपया। ये टाजे सरपंच जो ये बाहर से हमारे ये दोस्त मिलान करते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे बात बात में आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब की टीम पहला मैच खेलने के लिए आई, रूस से हार गई और सऊदी अरब पूरे ने कहा हमारी टीम जीते या हारे ये हमारी टीम है। मजा फिर है, ये आपकी टीम है, मैं अंजाज का ये क्या बात है कि जीती है तो इनाम देंगे, जीते या हारे मजा फिर है कि आप एक गेम में इतना इनाम देंगे। ये रिक्वेस्ट है आपके लिए 5,000 रुपया क्या मानी रखता है, ये तो मानी रखते हैं मानी यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए ये मानी रखता है 5,000 रुपया आपके लिए कोई मानी रखता आप ये गेम के बजाय जीते या हारे हमारा कसूर के लिए इनाम है। शुक्रिया। संतर नहीं ओवरसीज से संतर नहीं मिले 500 रियाल का ऐलान किया है, अंजाज क्लब अगर जीती है तो 500 रियाल। जैसे कि मेरे साथी बहुत सा उन्होंने बोला है कि और चीज में लोग जो देख रहे हैं मैं जो ऐलान कर रहे हैं कि जीतने पर बोल रहे हैं, जैसे कि उनका हक बनता है वहां से अंजाज क्लब के दो सौ जो देख रहे हैं और बोल रहे हैं उनको चाहिए कि अंजाज क्लब सम्मानन में है और बोलेंगे इतना इनाम आपके लिए अंजाज क्लब के नाम पे लिखे। नोम परदेसी शायरी तू इजतराब करस जगह शेर शायरी नाम नाम नहीं हमारे जो करने का दोस्त है उनसे गुजारिश है कि अगर आप रात ये नमाज ये लम्हे आप देख रहे हैं तो फिर आप ये भी देखेंगे इस वक्त इस क्राउड के लिए कितनी मुश्किल पेश आ रही है, बेचारा इतने दूर दूर से लोग आए हैं किसी को जगह मिल रही है किसी को नहीं मिल रही, तो आपने जो ऐलान किए हैं कि जीतने पर अगर यही ऐलान आप ये कर दें तो हम यहाँ पर अगली मरतबा इन शायकी के लिए जो बड़ी परेशानी का आलम है किसी को जगह मिल रही है जो बेचारा किस तरह खड़ा है हम कोशिश करें एक हमने बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम अपने से करवाया है लेकिन आप देखेंगे लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा है तो आप अगर कुछ चंदा कर सकते हैं हमारे लिए तो ये चंदा करें कि कुछ चंदा संगीत चुपता साहब ने हमारे लिए आज ऐलान किया है तो आप भी कुछ ऐसा ऐलान करें ताकि जो हमारे नीचे वाली साइड है इसके ऊपर हम दीवार बना के वहाँ पर जो स्टेडियम तर्ज की सीढ़ियाँ बन जाएँ ताकि ये दूर दराज से लोग आते हैं उनको तकलीफ ना हो, ये आप ऐलान हमारे लिए करें टीम जीते या हारे आपको ऐलान करना चाहिए कि मेरी तरफ से ये ऐलान है टीम के लिए कोई मसला नहीं है ये चीज़ें चलती रहती हैं अल्लाह पाक को अगर आपको दिया है तो आप उस पर ऐलान करेंगे तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर जाकर जीती है तो जीते ये तो यहाँ पर मुबारक भी कर दिया अगर जीती है तो मैं उनको तैयारी के देख खिलाऊंगा उसको पता है कि शायद आ जाए तो बच जाऊँगा जीते की तो कोशिश करूँगा ये बात नहीं है लेकिन बात ये है कि आप ऐलान करें अपनी टीम के लिए अपने क्लब के लिए चंदा बहुत शुक्रिया अगर मेरी बात किसी को नागवार गुजरे तो उसके लिए मैं आप लोगों से मांगना चाहता हूँ। इकबाल साहब ने गल सारे बुझी हो सी और मैं इस वक्त परवेश शाही शास्त्री के खिलाड़ियों से उनका शुक्रिया समझता हूँ कि अगर बर्फ टूट गया था तो उन्होंने वहाँ से उसको अपने हाथों के साथ थोड़े टुकड़े थे कांच के उनको उठाया है उनका बहुत शुक्रिया बहुत मुश्किल होती है जो इससे कुछ नहीं होता अभी तक इस्तेमाल भाई आ रहे हैं वहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए ताकि कोई चीज़ आप किसी खिलाड़ी को कौन
थैंक यू अगर प्रोग्रेस नहीं होगा तो किसी को फॉर्म लग जाए आपका बहुत शुक्रिया एक हम फिफ्थ मार्क शाकिब से जो कि हमारे क्लास से जहाँ से भी आए हैं पूरे हमारे स्कूल से जहाँ से कोई आया हुआ है इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और आप देखने वाले हैं सेकंड सेमीफाइनल शुक्रिया महमूद का सेकंड सेमीफाइनल फरमाए एक ऐलान है मुझे किसी ने कहा है कि फजल नाम के आदमी का 500 रुपया गिर गया है किसी को मिले तो दे दें लेकिन ये अर्ज ये है कि पाकिस्तान में ट्रांसफर का पूरा 400 इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अंपायर मैदान मैच स्टार्ट करा दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया जैसे कि सेकंड सेमीफाइनल में क्राउड को किस तरह से हो गया है कि उसका हम बयान नहीं कर सकते जिस तरीके से हमें भी अला मिल गई है वही लोग बैठ रहा है खड़ा हो रहा है कुछ टेढ़ा हुआ है कुछ प्रकट में खड़ा हुआ है किसी ने आगे तोड़ दी है ताकि हम मैच अच्छे तरीके से इंजॉय कर सके आपको बताना चाहिए कि तमाशाइयों में हमारे पास मुल्क से भी लोग आए हुए हैं और बहुत खुशियां से आए हुए हैं लोग खुशामदीद कहते हैं अनजाज साहब तोहफा के ग्राउंड में ये मेरे पास एक ऐलान आया है लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि ये दोस्तों से मेरी गुजारिश हो सकती है क्योंकि इस लेकिन टूर्नामेंट की तारीख ऐसी होगी कि 20 तारीख में टूर्नामेंट और भी है
हम जैसा कि आपको बता दें कि ये सेकंड सेमीफाइनल की 5 सेट पे मुकम्मल है। जो टीम 3 सेट अपने नाम पे करेगी वो फाइनल में जाएगी। जी सरदार अहमद आज फाइनल भाजपा ने सर्विस चेंज कराई है। स्कोर बोर्ड में नजर नहीं आ रहा क्या स्कोर है। ये जो पीछे लाइन पे बैठे हुए हैं वो अपने सामने प्लेयर जो है उन्होंने बोला है कि मैच हम नहीं खेल रहे क्योंकि यहाँ से लोग नहीं हो रहे। ये आगे जो लास्ट टाइम है इनको बोले हैं कि यहाँ से उठ जाएं। प्लेयर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्विस के लिए दवा नहीं जोड़ रहे तो माशाई सर्विस के लिए दवा नहीं जोड़ रहे और मैच जीत चुका है। शादी का युवा मौजूद है रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कैर असर साहब जो कि ग्राउंड में मौजूद हैं उनको अगर आवाज आ रही है तो ये मसला हल करे ताकि मैच कर दिया जाए। मैं कम ठंडा कर रहा हूँ ठंडा कर रहा हूँ साहब घोरा रमनिया वाला फ्रेंड्स क्लब रमनी फाइनल एज फ्रेंड्स क्लब रमनी ने उसके पास तो जगह नहीं है हमारी जगह नहीं है कहाँ पे जाए तो दोनों टीमों के लिए चीज बराबर है। अगर एक टीम को कोई फायदा हो रहा है अगर अंदर से टीम उसको फायदा हो रहा है दोनों टीमों के लिए बराबर है। कोशिश हमने की है आपको हमने रिक्वेस्ट नहीं करते हैं किसी को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा पीछे हो जाए अगर वो पीछे नहीं हो रहे तो फिर बहुत मुश्किल आ रहा है। आप हमारी परेशानी को भी मद्देनजर रखें कि हम किस पोजिशन में है किस तरह लोगों को पीछे कर रही है हमारे लिए सब मेहमान है और ये उनकी बड़ी दिलनाजी है कि इतने दूर से हमारे पास आए हैं। तो आप एक तो प्रॉब्लम है कि जगह नहीं है आप यह ग्राउंड में खुद अगर पीछे पीछे हो जाए इस तरह जुड़ जाए तो फिर हो जाए अगर या कम अज कम सर्विस करने के लिए जगह दे दें। अंजाजी आपके अजीब अगर मेरे ही आवाज सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि स्कोर बोर्ड को ऊपर से रखें। मसला सर्विस मैन क्या जगह नसी जी इस वाला थोड़ा रफ्ट करिए। सर्विस चेंज हुई 4-1 5-1 गुमराह बैठते सी तुझे ना रिक्वेस्ट थी कि शेर शायरी ना इस्तेमाल करो वाजिद ने सर्विस चेंज कराई 1-5।